आपको शांतिपूर्वक आके वोट दे और उसके माध्यम से जो आपको लगता है, जो आपके विचारधारा को मैच करता है, जो विकास कर रहे हैं, उसको आके शांतिपूर्वक वोट दे, क्योंकि गरजने वाले कभी बरसते नहीं। पूर्णिया का विकास करेंगे तो मैंने वोट दे दिया है, मतदान जरूर करें। वोट कर रहा है जो हमारे कंट्री को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कंट्री का नाम ऊपर कर रहा है और हमारे देश को आगे लेके जा रहा है। पूरी दुनिया में हम भारत को कहाँ रखने के लिए जा रहे हैं, इन मुद्दों को देख करके जो है लोग वोट करें। जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए यंग पीपल्स को कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सेटल्ड हों। और महंगाई की बात है तो महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये थोड़ा सेकेंडरी पॉइंट हो जाता है। मतदान जारी है, कौन किस पर भारी है, जनता की बारी है। जनता ने ठप्पा लगा दिया है। हमारे साथ दो मतलब यंग महिलाएं जो जिन्होंने वोटिंग किया है और वो अभी मतदान करके बाहर आई हैं, इनसे बात करेंगे कि पूर्णिया के त्रिकोणात्मक मुकाबले में कौन किस पर भारी है। हालांकि सीधे सीधे उस पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि देश का चुनाव है, देश की सरकार बनानी है, इसलिए न्यूज़ फॉर नेशन भी दर्शकों से अपील करता है। जैसे ये लोग आ चुकी हैं यहाँ, मतलब महिलाओं को घर में सबसे ज़्यादा मतलब काम होता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि सजग हैं और पहले मतदान करने चली आई, मतलब पहले मतदान फिर जलपान, मतलब घर में जो तैयारी होगी। हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मधु झा है, मैं पूर्णिया से हूँ। पूर्णिया से हैं मधु झा जी। मधु झा जी, आज आपने मतदान किया है ना, क्या लगता है? पूर्णिया बड़ा रोचक है, हालांकि लोकतंत्र की जननी है। विक्रम जी आप भी आ जाइएगा, तो क्या लगता है आपको, कैसे मतलब मुद्दा क्या रहेगा, कौन सी चीज जो है वो भारी पड़ेगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आप जहाँ भी देखिए कि नेता ने ये किया, नेता ने वो किया, यहाँ विकास नहीं हो रहा, यहाँ ये नहीं हो रहा है। आप वो उस तरह का आक्रोश ना रखें, ये हमारा हक है, इसको शांतिपूर्वक आके वोट दे और उसके माध्यम से जो आपको लगता है, जो आपके विचारधारा को मैच करता है, जो विकास कर रहे हैं, उसको आके शांतिपूर्वक वोट दे, क्योंकि गरजने वाले कभी बरसते नहीं। तो बस इसलिए वोट जरूर दे, मैंने भी वोट दिया है, जो मुझे लगता है कि पूर्णिया का विकास करेंगे तो मैंने वोट दे दिया है, मतदान जरूर करें। पूर्णिया तो एक इकाई है, पूर्णिया एक देश का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि देश में मतलब सरकार जब बनती है तो नीतियां तय होती है ना, और नीतियां जब तय होती है तो जन कल्याणकारी है या विनाशकारी है तो वक्त बताता है। लेकिन पिछले कई सालों से हम मतदान देते, लोकतंत्र का जड़ यहाँ काफी मौजूद है, वैशाली यहाँ पूरे विश्व में लोकतंत्र की जननी कही जाती है। पिछले दफा काफी एक खराब अनुभव रहा था लोगों का कि, और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था कि लोगों ने काफी मतदान किया, कम मतदान किया, लेकिन हमें जो अभी अभी पता चला कि यहाँ के वोटर काफी जागरूक हैं और 65% पिछली दफा भी रिकॉर्ड मतदान किया था यहाँ पे। तो इस बार भी आप लोगों को देख के यही लगता है कि उसमें भी लंबी लाइन है, पिछली बार तो लंबी लाइन देखने के लिए लोग तरस गए थे, तो मुद्दा क्या रहा? आप यंग हैं, हम आपसे तुरंत बात करते हैं। हाँ जी, मुद्दा मेरे विचार से एक तो मुझे लगता है पूर्णिया में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अच्छे हॉस्पिटल की है, जो मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है। दूसरा साफ सफाई की, ये दो चीज को देखते हुए मुझे जी, और एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 3-4 चीजें हैं। मैंने तो वोट दे दिया, मुझे जो लगता है कि जो यहाँ पे काम करेंगे जो नेता, तो वोट देना जरूरी है, प्लीज वोट दे, यही बोलना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनु अहल्यान है। आप डॉक्टर हैं? MBBS? जी नहीं सर, हम आई हैव डन PhD। PhD जी। चलिए, लेकिन सजग हैं, जागरूक हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये लोकसभा इलेक्शन है तो डेफिनेटली हमारा नेशन को, कंट्री को जो बेटर वे में रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने कहा कि देश के लिए ये इम्पोर्टेंट है। असेंबली इलेक्शन होता है जब हम लोकल वे में देखते हैं कि पूर्णिया का डेवलपमेंट क्या है या नहीं है। तो अभी हम, मेरी पर्सनल सोच है कि हमें एज अ कंट्री वोट करना है जो हमारे कंट्री को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कंट्री का नाम ऊपर कर रहा है और हमारे देश को आगे लेके जा रहा है। आज के अनुसार मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा है? आप कैबिनेट, किचन कैबिनेट भी संभालती हैं, गैस का दाम बढ़ा है, कुछ मुद्दा आप अपने दिमाग में लेकर के आई थी?
डेफिनेटली देखिए, पहला चीज तो मेरे मन में बस एक यही है कि ये लोकसभा इलेक्शन है तो पहले सेंट्रल पहली इम्पोर्टेंट चीज है कि सेंट्रल को हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेरोजगारी बढ़ गई है तो थोड़ा सा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए यंग पीपल्स को कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सेटल्ड हूँ। और महंगाई की बात है तो महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है तो ये थोड़ा सेकेंडरी पॉइंट हो जाता है ये मेरे अकॉर्डिंगली। महंगाई की परिभाषा तो हमें काफी जगहों पे मैं गया, गरीब लोगों ने भी समझाया कि 50 पैसे में मैं काम करता था, 350-400 रुपए में काम कर रहा हूँ। और लेकिन अब नया एक मुद्दा जो राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद की भावना भी लोगों के बीच, और इस तरीके से अपने अपने हिसाब से लोग नाप जोख रहे हैं, गुना भाग कर रहे हैं कि कौन क्या है, लेकिन मुद्दा जो है वही महत्वपूर्ण है और वही देश की नीतियों को तय करता है। हमारे साथ विक्रम जी हैं, नौजवान हैं, क्या कहेंगे विक्रम जी? किस प्रश्न क्या है आपका? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव है और आपके तो चैनल का ही नाम न्यूज फॉर नेशन है, ये चुनाव नेशन का है, मतलब भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पे क्या रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए वोट करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो अपना अपना मत है, गुप्तदान है। लेकिन मुद्दा यही है कि जैसे अभी हम पांचवी आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से पांचवी महाशक्ति बन चुके हैं और तीसरी महाशक्ति बनने के ओर अग्रसर हैं, तो मुद्दा मेन ये होता है कि आपका सामरिक स्थिति आपकी क्या है, आप कितने स्ट्रांग हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की क्या पोजीशन है आर्थिक आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और आपकी विदेश नीति क्या है। ये जो चीजें हैं, तीन चार चीजें ऐसी हैं संविधान में जिसको स्टेट गवर्नमेंट कवर नहीं करती है, डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो ये चीजें तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी है। ये चार चीजें जो कि आप संविधान में देखेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, इसको कंप्लीट जो है केंद्र सरकार को देखना है। और ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकल मुद्दों के लिए लोकल चुनाव होते हैं, अलग अलग स्तर के चुनाव हैं, तो इसको ध्यान में रखिए कि पूरे पूरी दुनिया में हम भारत को कहाँ रखने के लिए जा रहे हैं, इन मुद्दों को देख करके जो है लोग वोट करें। महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? आबादी हैं आप जी, ठीक है ना जी, तो महिला के सशक्तिकरण के लिए भी काफी चीजें ये हो रही हैं, तो आज महिलाओं के लिए को लेकर के क्या कहेंगे? आपने वोट दिया है? जी मैंने वोट दिया है, महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले वोटिंग में, और वोट खाना पीना घरेलू काम चलेगा, बिल्कुल आकर के वोट दे। हम लोग भी सवेरे से ही लाइन में लगे हुए हैं, वोट दे दिए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मतदान करना, मतदान हमारा अधिकार है। तो महिलाएं जो भी जो एज लिमिट है वो हो गया, उनका टाइम क्रॉस कर गया है, तो वो आकर के जरूर वोट दे। मधु झा और विक्रम जी दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि भाई वोट की चोट आज पहले कीजिए ताकि देश में सरकार का चेहरा कौन सा रहे ये तय करना होगा। तो ये काफी जागरूक मतदाता हमें लगे, सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान की, मतलब जो को इन्होंने चरितार्थ किया है। चलिए किसी और बूथ पर चलते हैं और इसी तरीके से जागरूक मतदाता से हम आपकी बात करवाएंगे, इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप अगर घरों में बैठे हैं तो जल्दी से जल्दी बूथ पर पहुंचिए और मतदान कीजिए और फिर घर जाकर जलपान कीजिए।